अस्सलाम वालेकुम एडवोकेट मोहम्मद दाऊद, आज आप लोगों के साथ बड़ी अच्छी वीडियो डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है, आज 28 हो गई है, हमारे पास 2 दिन रह गए हैं इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के हवाले से। जैसे कि आपको पता है, 30 सितंबर 2022 लास्ट डेट है इनकम टैक्स की रिटर्न। नो डाउट हर साल ऐसा ही होता है कि टैक्स रिटर्न की डेट ग्रेजुअली इंक्रीज की जाती हैं, एक्सटेंड की जाती हैं, कि जो लोग अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते, गवर्नमेंट कहती है उनको टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने का मौका दिया जाए और अपनी इन टाइम रिटर्न फाइल कर लें। ये सिर्फ और सिर्फ बताने का मकसद ये है, जस्ट इंटीमेशन है और एक वार्निंग टाइप भी है कि 30 सितंबर लास्ट डेट आ रही है रिटर्न फाइल करने की। सिर्फ और सिर्फ वो उन भाइयों के लिए जो रिटर्न फाइल रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, एक्टिव फाइलर हैं और हर साल अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, जस्ट एक इंटीमेशन के तौर पे उनको बताया जा रहा है कि अपनी टाइम पे रिटर्न फाइल कर लें ताकि जुर्माने से बचा जा सके। नो डाउट डेट एक्सटेंड होगी, लेकिन बट जो ड्यूटी है वो पूरी की जा सके। इसके साथ साथ दो प्रॉब्लम्स हैं जो रिटर्न के हवाले से हैं, वो भी शेयर करना चाहता हूँ। पहली ये, FBR ने जो रिफंड का क्या कहते हैं बटन था हमारी रिटर्न के अंदर जो डिसेबल कर दिया था, उसको अब अनेबल कर दिया है। बट अनेबल के साथ साथ वो अभी वर्किंग नहीं कर रहा। इसकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैंने खुद भी करके देखा है। आप उसके अंदर को लास्ट ईयर के रिफंड्स की इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं तो सिस्टम उसको पिकअप नहीं करता। अभी वो स्टिल उसी पोजीशन में है, बटन अनेबल हो गया है। बताने का मकसद ये है कि आप एंट्री अब कर पाएंगे बट उसके अंदर रिफंड की रिफ्लेक्शन नहीं हो सकेगी। इसीलिए ज़रूरी है साथ साथ इन्फॉर्मेशन हमारी जिस तरह हमारी एसोसिएशन ने, बार एसोसिएशन ने सारा प्रोसेस किया, हमारी क्या कहते हैं ऐसे क्या कहते हैं जो चैम्बर की थी, बिजनेस क्लास की थी, सब ने अपने एंड से FBR को अप्रोच किया कि इस मसले का हल निकाला जा सके। मसले का हल निकला है बट वो सिस्टम वर्किंग अभी कर रहे हैं। मे बी शायद अभी 1 या 2 दिन लगे सिस्टम इसको पिकअप कर लेगा। तीसरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ जो है वो भी छोटी सी प्रॉब्लम वो शेयर करना चाहता हूँ, वो ये कि जब हम लोग फर्स्ट टाइम अपना कोई बंदे की इंडिविजुअल हो, सेल्फ क्लास का हो, उसकी रिटर्न फाइल करने के हवाले से जब भी कर रहे हैं, पुराना टैक्स पेयर है, FBR के पोर्टल पे एक चीज़ अवेलेबल है कि हम लोग पिछले साल की रिटर्न का डाटा इंपोर्ट करते हैं तो सिस्टम उसको पिक कर लेता है। हम लोग कल या परसों तक तो इस सिस्टम को कर लेके चल रहे थे, बट आज की नई डेवलपमेंट के हवाले से बताऊं, उस जो इम्पोर्ट का बटन है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है। जब भी आप ट्राई करते हैं तो सिस्टम आगे से मैसेज देता है कि ऑलरेडी डाटा आपने डाउनलोड कर लिया है। एक कंटिन्यूस ये प्रॉब्लम चल रही है। इस सिलसिले में मैं चाह रहा था कि आप सब भाइयों को इन्फॉर्म भी किया जाए कि जिन जिन को प्रॉब्लम आती है या आ रही है वो ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना हो, ताकि इस मसले को आगे जाके रिजॉल्व किया जा सकता है। मैंने अपने एंड से कुछ अपने ग्रुप मेंबरान को, जो जिनकी अप्रोच डायरेक्ट FBR तक है, उनको भी इन्फॉर्म कर दिया है कि वो इस मसले को टेकअप करें और हमारी बात जो पर्सनल लेवल पे आ रही है इसको अप्रोच करके इसको रिजॉल्व करवाया जा सके। बताने का मकसद ये है कि इसको जितना जल्दी हल किया जाएगा, टैक्स पेयर को उतनी ईजीली वो अपनी रिटर्न फाइल कर सकता है। इसीलिए छोटी छोटी वीडियोज़ और छोटी प्रॉब्लम भी शेयर करते रहते हैं कि जो जो प्रॉब्लम किसी भाई को है वो प्रॉपरली उसको हल किया जा सके। और लास्टली एक बात कहना चाहता हूँ, बस अपनी ड्यूटी रिटर्न के हवाले से पूरी करें, इन टाइम फाइल करें ताकि जुर्माने से बचा जा सके। शुक्रिया।